ओए टिप्सन यारो, मेरे पास एक भयंकर न्यू अपडेट आई है। हम लोगों को जल्दी से टिप्सन को ढूंढना होगा। अबे टिप्सन तो नहीं है, टिप्सन तो इसी मच्छर के साथ था ना। अबे टिप्सन कहाँ गया? वो तो निकल गया अभी थोड़ी देर पहले ही। अबे सेठ यार, टिप्सन तो यहाँ से निकल लिया, अब क्या करूँ मैं? अपनी न्यू अपडेट किसको दिखाऊँ? तुम लोगों को दिखाऊँ? दिखाता हूँ यार, सबसे पहले अपने मैप पे चलो। और कहाँ गई ये देखो यार, ऑप्टिमस प्राइम की न्यू अपडेट। यारों हम लोगों को ऑप्टिमस प्राइम को वापस से लाना ही होगा इस बाइस टाउन में। तुम लोग तो जानते हो ऑप्टिमस प्राइम को तो बहुत सालों पहले उस ईविल हल्क ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमारे पास फिर से न्यू अपडेट आई है ऑप्टिमस प्राइम की। हम लोग उसको जिंदा कर सकते हैं वापस। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। भाई रुक, उतर उतर जल्दी से इस कार में से। अब चलते हैं उस ऑप्टिमस प्राइम को लेने के लिए। लोकेशन तो कतई दिखा रहा है। वो देखो यार, ये तो कसिनो के अंदर से दिखा रहा है। कसिनो के अंदर ऑप्टिमस प्राइम? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यारो। ये कसिनो के अंदर नहीं, कसिनो के पीछे की लोकेशन है। कसिनो के पीछे कहाँ पर हो सकता है? जो भी हो वो तो देखना पड़ेगा। बस मेरे को ईविल हल्क ना मिल जाए, वरना बहुत मारेगा। वैसे ये सब छोड़ो, अगर ऑप्टिमस प्राइम को वापस से जिंदा करना है तो जाना तो पड़ेगा, कतई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पर ऐसी जगह पर ऑप्टिमस प्राइम को किन्ने रखा होगा यार? इतनी छोटी गलियों में से ऑप्टिमस प्राइम गया कैसे होगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ से तो रास्ते ही बंद हो जाता है, इसके आगे कौन किसको कैसे लेके जा सकता है? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं रास्ता। एक मिनट, ये रास्ता कब खुल गया? अबे यार मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं चलता है बाइस टाउन में हो क्या रहा है। इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, ये रास्ता तो कतई खुफिया रास्ता लग रहा है। ओ यारो यहाँ पर कुछ तो है। वो देखो यार, वो तो ऑप्टिमस प्राइम है यार, तुम लोग खुद देखो। पर ये ऑप्टिमस प्राइम, इतना बड़ा ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर आया कैसे? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ओ शिट, ये तो थोड़ा सा पानी है यार, थोड़े से पानी में ये ऑप्टिमस प्राइम कैसे डूब सकता है? शिट, इसके अंदर तो और गहरा है यार, ये तो बहुत गहरा है। यारो हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की साइड बहुत गहरी चीज़ है। क्या मैं इसमें बैठ सकता हूँ? ओ यारो मैं बैठ सकता हूँ, काश मैं इसको बस थोड़ा सा आगे लेके जा सकूँ। अबे चल थोड़ा आगे तो चल यारो, ये देखो ये तो चल रहा है, वाकई में चल रहा है। ओ यारो थोड़ा सा आगे तो चल यारो, ये तो वापस से पीछे जा रहा है। मैं यारो इसको ऐसे तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये ऐसे जाने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूँ यारो, ऐसे तो इसको लेके जाना मुश्किल है। मेरे को इस स्विमिंग पूल से निकालना पड़ेगा इसको, पर कैसे निकालूँ? यारो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पावरफुल गैजेट हैं जिससे मैं इसको निकाल सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये देखो मेरे पास ये हवा में उड़ाने वाली गन है, मैं इसको पकड़ता हूँ और यारो आराम से इसको बाहर रखना है, अगर गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे शिट यार, ये तो वापस से चला गया। एक बार थोड़ा और आराम से, और ये रख गया। आखिरकार हम लोगों ने इसको बाहर निकाल ही लिया। अब यारो इसको लेके चलते हैं फटाफट से टिप्सन के पास, और है ना इसको ठीक करवाते हैं, क्योंकि अबे हट यार, क्योंकि ये तो रोबोट ही नहीं बन पा रहा है। यारो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल ईशू होगा, मतलब ये ख़राब हो चुका है, मुझे इसको ठीक करना होगा। पर यहाँ से आराम से, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है और ये ऑप्टिमस प्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा, तुम लोग तो देख ही सकते हो। वो आराम से कतई यहाँ से कट मार। ओए शिट यारों, इतनी छोटी गली में से मैं तो कभी लेके जा ही नहीं पाऊँगा इसको। क्या करूँ मैं यार, इसको कैसे ले जाऊँ? मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग कुछ बताओ यार। कतई चल नहीं यारो, ये तो निकल ही नहीं पा रहा इधर से। ओ शिट, ये फिर से पानी में चला गया। यारो अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको पानी से बाहर निकालने का। सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ। यारो तुम लोग तो जानते ही हो हमारे पास एक और बहुत पावरफुल गन है, जिस गन का नाम है ये वाली गन, मतलब ये गुब्बारे वाली गन। अब मैं देखो इसको ऊपर फुला दूँगा, अब ये ऊपर चली जाएगी। हाँ, और अब मैं सीधा एक काम करता हूँ, इसको यहीं से पकड़ लेता हूँ। अबे पकड़ में आ,
और अब सीधा ना मैं यहाँ पर रोप फेंकता हूँ। यू आखिरकार मैंने रोप फेंक दिया, अब इसको वापस से इधर बुला लेता हूँ। अबे आ भी जा घटिया ऑप्टिमस प्राइम। ओ यार ये देखो ये तो आ रहा है। अब मैं ना कतई इसको ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से तो लेके जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो देखा ये कितनी छोटी सी जगह है। अबे ये क्या हो रहा है, आराम से जाना पड़ेगा। ओह शिट ये रस्सी टूट ना जाए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यारो मैं ना फटाफट से इस पर चढ़ जाता हूँ। हाँ आखिरकार मैं ले आया इसको यहाँ तक। अब यारो हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से ना यहाँ से भागते हैं और ना इसका गुब्बारा फोड़ देते हैं और उसको ज़मीन पर लैंड करवा देते हैं। अबे फूट भी जा। हाँ आखिरकार ये ज़मीन पर लैंड हो ही गया। अबे सीधा भी हो जा। वो सीधा हो रहा है। कितना भारी ट्रक है यार ये। यारो अब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है, हम लोग इसको नीचे कैसे उतारें। नीचे उतरने में कहीं ये टूट फूट ना जाए, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, जाना तो पड़ेगा। तो कोई नहीं यार इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, अबे चल भी आएंगे, चला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो अबे आराम से यार सेठ नहीं हो। ओ बच गया। ओ यारों मैं इसको यहाँ तक तो लेकर आ गया, लेकिन अभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को इसको ना टिप्सन के पास लेके जाना होगा। और ये ईविल हल्के की पुलिस को मालूम चल चुका है कि मैंने ऑप्टिमस प्राइम को ले लिया है, शायद इसीलिए ये सारी की सारी पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है। यारों इससे पहले ये पुलिस वाले और ईविल हल्के यहाँ पर आ जाएँ और ये ऑप्टिमस प्राइम का ट्रक ले ले मेरे से और मेरे को सीधा जेल में फेंक दें। हम लोगों को जल्दी से टिप्सन के पास जाना होगा, क्योंकि अब वो ही मेरी मदद कर सकता है। चल रो पीरो चल फटाफट से निकल ले इधर से। ओए पुलिस वाले हट जा इधर से, ये पुलिस वाले मेरे को पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। ओए टिप्सन कहाँ पर चला गया ये। अबे टिप्सन ये वक्त आने पे कभी मिलता है क्यों नहीं है मेरे को। अबे यार एक तो इतना बड़ा ट्रक पीछे पुलिस लगी है, बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम है। कितनी बाल ठुकेगा यार, अब बस भी कर कतई टूट जाएगा ठुक ठुक के। यारों ये देखो आखिरकार हम लोग आ गए टिप्सन के इलाके में। अब हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस और ईविल हल्क दोनों ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओए टिप्सन ये टिप्सन क्या कर रहा है, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनता है। अबे टिप्सन देख यार मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अबे यार ये तो कतई जोरों की लग गई। हाँ अबे टिप्सन बहरे इंसान ये कर क्या रहा है, देख यार मैं ये ट्रक लेके आया हूँ। हो यारो इसको हम यहीं पर रख देते हैं, बेकार में कोई लेके ना जाए। अबे टिप्सन देख यार मुझे ऑप्टिमस प्राइम की न्यू अपडेट मिली है, ये देख मैं ऑप्टिमस प्राइम का ट्रक लेके आया हूँ। अबे यार थोड़ा तो आगे आ जा, ये देख यार। अबे ये तो नकली है यार। अबे क्या क्या कह रहा है, ये असली ऑप्टिमस प्राइम है। अबे नहीं यार मैं जानता हूँ क्या। शिट यार इसके लिए इतनी मेहनत करी और ये नकली है। अबे नहीं यार ये ऑप्टिमस प्राइम है ही नहीं, ऑप्टिमस प्राइम तो उस ईविल हल्के के कब्जे में आज भी। अबे निकल घटिया। मैं सोच रहा था यार ये रोबोट बन क्यों नहीं रहा, रोबोट बनेगा कैसे, ये तो नकली ऑप्टिमस प्राइम है। निकल ही डरते उस ईविल हल्के ने हम लोगों को उल्लू बनाया, झूठी न्यू अपडेट का लालच दे के इसको फोड़ देता हूँ कतई। अबे फूट, अबे फूट भी जा, फूट गया। उस ईविल हल्क को तो मैं कतई छोड़ूंगा ना। खैर यारों ईविल हल्क का जो होगा सो होगा, तुम लोग एक काम करो फटाफट से इन वीडियो को देखो जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, देखियो ठीक है ना, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो तो तुम लोग यार ज़रूर देखियो। तो गुड डे आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आ रहा हूँ। और अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कराया ना तो शेयर ज़रूर कर दियो। बाय बाय, गुड डे।